आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। में हम देखेंगे कम्बो बॉक्स कंट्रोल। कम्बो बॉक्स कंट्रोल लिस्ट बॉक्स तथा टेक्स्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स होता है और उसके इनसाइड में लिस्ट बॉक्स लगा होता है। इसमें टेक्स्ट बॉक्स में वह टेक्स्ट होते रहेगा जो टेक्स्ट हम लिस्ट बॉक्स से सेलेक्ट किए रहेंगे। जैसे वर्ड में अगर आप देखें फॉन्ट डायलॉग, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पे जो सेलेक्ट डिफॉल्ट रूप से वो दिखेगा और बाकी यहाँ पे पूरे लिस्ट में दिखेंगे। तो यह होता है कम्बो बॉक्स कंट्रोल। इसमें क्या होता है, पूरे आइटम्स हाइड होते हैं, जब आप उसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तो उसके पूरा लिस्ट ओपन होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है जिसमें आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट शो होता है और बाकी उसके ड्रॉप डाउन में लिस्ट होता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। इसका कार्य करने का तरीका भी लिस्ट बॉक्स की तरह ही होता है। ठीक है, देखते हैं हम .NET में जाकर के कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। .NET में गए, यहां से न्यू प्रोजेक्ट में गए, यहां से नाम दे दिए कॉम्बो बॉक्स वन, देन यहां से फॉर्म आ गया। अब हम यहां से जाकर के कॉम्बो बॉक्स ऐड कर लेते हैं। ये है कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, अब इसकी अगर आपको प्रॉपर्टीज सेट करना है, प्रॉपर्टीज देखना है, जो मेन मेन प्रॉपर्टीज है वो, तो इसमें सबसे पहला नेम है। नेम के अलावा बाकी वो बैक कलर वगैरह प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने पहले देखा हुआ है, जो यूजफुल प्रॉपर्टीज है उन पे हम बात करते हैं। ठीक है, बैक, इसके अलावा डेटा सोर्स, अगर डेटाबेस से कहीं से उठाना है आपको डेटा, तो इसके अलावा ड्रॉप डाउन का मोड जो होगा नॉर्मल रहता है, अगर वेरिएबल फिक्स करोगे तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे इन सबसे, इनको देखने से पहले एक और देख लेता हूं, यहाँ पे आइटम्स, आइटम से कलेक्शन। अगर आपको ड्रॉप डाउन में कुछ ऐड करना है तो आइटम से जाकर के, कलेक्शन से जाकर के यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ नहीं करता हूँ, इस तरीके से ऐड कर देता हूं। ठीक है, देन यहां से ओके, क्लियर। अब इसमें देखिए, जब आप ड्रॉप डाउन को रन करेंगे तो वहां से आइटम्स को हम ऐड करते हैं। देखिए पूरा ऐड हो चुका है। इनका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है, तो बैकग्राउंड कलर कर लिया हमने, फॉर कलर, फॉन्ट का कलर वगैरह भी सेट कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे चले जा रहा है पूरा, यहां से क्यों, क्योंकि बड़ा है। ठीक है, अगर हम इसको बड़ा कर लें यहां से, तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन में। अब उनका हाइट वगैरह, जैसे अभी ड्रॉप डाउन का हाइट क्या हो रहा है, रन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक से घट बढ़ जा रहा है। इनको सेट करना है आपको, तो आप यहां से जाइए, ड्रॉप डाउन के हाइट को यहां से आप सेट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन हाइट यहां होगा, मान लो हम इसको 100 कर देते हैं। अब देखिए 100 दिख रहा है, और बाकी को आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप डाउन हाइट से, जो ड्रॉप डाउन में जो लिस्ट शो होगा उसके हाइट को आप सेट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन के हाइट से। इसके अलावा ड्रॉप डाउन का इसी तरीके से, ड्रॉप डाउन कैसा होगा लिस्ट के तरीके से, वो नॉर्मली ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कर दीजिए तो देखिए इसमें टेक्स्ट नहीं शो होगा, सीधा सीधा लिस्ट ही दिखेगा। जब सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट की तरह ऐसा दिखेगा, और ड्रॉप डाउन करेंगे सिर्फ तो टेक्स्ट बॉक्स भी रहेगा और साथ में इधर नीचे लिस्ट आएगा। इसका विड्थ सेट करना, जैसे अभी मान लो मैं 250 कर देता हूं, यहां पे देखिए इससे ज्यादा विड्थ बढ़ जाएगा ड्रॉप डाउन का, ये देखिए। ठीक है, इसके अलावा और जो मेन प्रॉपर्टीज है, कर्सर्स वगैरह देख लियो आप लोग पहले ही। और जो प्रॉपर्टीज है इसके, सॉर्टेड, अगर सॉर्ट कर देंगे तो जैसे अभी ए टू जेड नहीं दिख रहा है पूरा,
ठीक है, अगर हमको इसको ए टू जेड चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट से जाके ट्रू कर देंगे, तो क्या करेगा वो निश्चित क्रम में अरेंज कर देगा मल्टी क्रम में। ठीक है, टेक्स्ट में जो टेक्स्ट अगर लिखना हो वहां पे दिखते रहे तो जनरली हम कलेक्शन से उसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम ड्रॉप डाउन कितना दिखे, मान लो मैं इसको 3 कर देता हूं, 2, 3, 4 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहां पे तो हमने 3 किया है लेकिन इसका हाइट क्या है हमारा 100। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं आप ड्रॉप मैक्स ड्रॉप डाउन आइटम्स को। इसके अलावा उसका मैक्सिमम लेंथ मिनिमम लेंथ वगैरह भी सेट कर सकते हैं, और भी इसके प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे सेलेक्ट इंडेक्स होता है, जो भी आइटम यहां से सेलेक्ट रहेगा उस आइटम का इंडेक्स बताएगा, सेलेक्टेड आइटम होता है यहाँ पे जो आइटम सेलेक्ट रहेगा उसका वैल्यू बताएगा कौन सा टेक्स्ट सेलेक्ट है, जो प्रॉपर्टीज हम प्रोग्रामिंग के द्वारा इसमें सेट करते हैं यहाँ पे आपको दिखाई वो प्रॉपर्टीज नहीं देंगे। क्लियर है प्रॉपर्टीज। इसके अलावा इसके कुछ मेन मेथड होते हैं, मेथड जैसे विंग अपडेट होता है जिसमें क्या होता है कम्बो बॉक्स में आइटम्स को जोड़ने के दौरान ही जब आइटम सेट करते हैं उसी टाइम उसके परफॉर्मेंस को अपडेट करते हैं। डिस्पोज होता है जो कम्बो बॉक्स में जब कोई भी चीजें आप क्या करोगे जो प्रॉपर्टी जो उसमें से रिसोर्सेस यूज कर उसको रिलीज करने के लिए हम डिस्पोज मेथड का यूज करते हैं। इंड अपडेट होता है ये दोबारा जब भी आप प्रारंभ करो तो अपडेट हो। ठीक है, सेलेक्ट होता है जो सेलेक्ट टेक्स्ट रेंज को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। सेलेक्ट ऑल होता है पूरे टेक्स्ट कम्बो बॉक्स में जो भी टेक्स्ट है सभी को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा इसमें जो इवेंट्स होता है ड्रॉप डाउन इवेंट होता है, यह तब एग्जीक्यूट होता है जब कम्बो बॉक्स में ड्रॉप डाउन को आप क्लिक करते हैं। ड्रॉप डाउन स्टाइल चेंज होता है जब ड्रॉप डाउन को कोई स्टाइल चेंज करेंगे तब एग्जीक्यूट होता है। सेलेक्ट इंडेक्स चेंज, जब भी आप ड्रॉप डाउन से किसी भी लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसका इंडेक्स जो होता है उसका चेंज होने पर यह इवेंट घटित होता है। ठीक है, हम देखते हैं पहले इसी में एक क्लिक करते हैं बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा चेंज वो कौन सा आपका इवेंट यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट इंडेक्स चेंज। ठीक है, तो एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं इसको, एक इवेंट को समझते हैं कि यहाँ पे एक लेबल रहे, यहाँ पे एक लेबल रहे जिसमें हम मैसेज देते हैं हेलो वेलकम टू vv.net। इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना तो कर सकते हैं थोड़ी सी। ठीक है, फॉन्ट कलर डिफॉल्ट रूप से मान लो मैं चेंज कर देता हूं अभी कुछ मान लेता हूं ऐसा। ठीक है, अब मेरा क्या है इसमें मैं क्या करना है, जब भी यहां से ड्रॉप डाउन से जिस भी यहां पे कलर में यहां पे इनको हटा देता हूं, यहां पे कलर्स के कुछ नाम ऐड कर देता हूं। देखिए अब हम रन टाइम में कैसे कम्बो बॉक्स में ऐड करते हैं वैल्यू, तो पहले हम कम्बो बॉक्स सेलेक्ट करके जो डिफॉल्ट रूप से यहां से आइटम हमने ऐड किया उसको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं हम। ओके, अब फॉर्म लोड पे हम उसके लिए कोडिंग करते हैं कम्बो बॉक्स 1.items.add। ठीक है, अगर मान लो ग्रीन रहे तो वहां पे क्या हो, ठीक है ग्रीन हो, इसी तरीके से और ऐड कर देते हैं हम। रेड येलो ब्लैक मैजेंटा बस इतना ही ऐड कर देंगे।
ठीक है। तो अब देखिए करना ये है हमको कि जैसे ही मैं यहाँ से कॉम्बो बॉक्स से जिस भी कलर को यहाँ से सेलेक्ट करूँ तो ये टेक्स्ट का जो लेबल में टेक्स्ट है उसका कलर वैसा ही होगा। तो इसके लिए हमें किस इवेंट पे कोडिंग करना पड़ेगा, सेलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट पे कोडिंग करना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट रूप से हमने खोला हुआ था यहाँ पे सेलेक्ट इंडेक्स चेंज। अब यहाँ पे हमको कंडीशन चेक कराना है, यदि कॉम्बो बॉक्स 1. सेलेक्टेड आइटम, जो सेलेक्टेड आइटम हो उसका कलर कैसा हो, रेड हो, तो हमारा लेबल का जो फॉर कलर हो वो क्या हो जाए, लेबल डॉट फॉन्ट डॉट और लेबल डॉट फॉर कलर भी ले लेते हैं सीधे हम, फॉर कलर इक्वल कैसा हो, ठीक है। एल्स इफ यदि कॉम्बो बॉक्स का कलर ग्रीन हो तो यहां पे कलर क्या हो जाए, ग्रीन, ठीक है। इसी तरीके से आप सबको चेक करा सकते हैं। यदि कॉम्बो बॉक्स का कलर ग्रीन रेड हो, इसके अलावा येलो हो, तो यहां पे लेबल का कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से यदि कलर ब्लैक हो तो इसका कलर भी यहां पे क्या हो जाए, ब्लैक, ठीक है। यदि कलर इसका यहां पे मजेंटा हो, इसका कलर भी यहां से मजेंटा, मजेंटा नहीं मजेंटा होता कलर, यहां से हम इसको मजेंटा कर देते हैं और यहां से, ठीक है। तो क्या किए हम, जब भी हम क्या करेंगे उसमें से जिस इंडेक्स चेंज होगा, इंडेक्स चेंज होगा जब हम सेलेक्ट करेंगे उसको, जिस भी आइटम को सेलेक्ट करेंगे, मान लो जिसे रेड को मैं सेलेक्ट करता हूं तो लेबल का फॉर कलर रेड हो जाए, ग्रीन को सेलेक्ट करता हूं तो ग्रीन, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके इवेंट को रन करते हैं, देखिए ब्लैक किए ब्लैक हो गया, ग्रीन किए देखो ग्रीन हो रहा है, रेड को सेलेक्ट कर रहे हैं रेड हो रहा है, येलो को सेलेक्ट कर रहे हैं येलो हो जा रहा है, मैजेंटा को कर रहे हैं मैजेंटा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्बो बॉक्स का यूज कर सकते हैं vb.net में, क्लियर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।